हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे टेलीग्राम के अंदर लॉगिन करते समय दिस फोन नंबर इज बैनड, ये वाली प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी आती है टेलीग्राम पर, आपका भी फ़ोन नंबर बैनड बता रहा है, तो गाइस कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। टेलीग्राम के अंदर बैनड नंबर अगर आ रहा है तो इसका सोल्यूशन इस वीडियो में जानेंगे क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना टेलीग्राम को बंद करना होगा, अपने गूगल को खोल लीजिए या फिर क्रोम बॉक्स को खोल लीजिए, कोई भी ब्राउज़र खोलेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि गूगल में सर्च करना होता है यहाँ पे टेलीग्राम सपोर्ट, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आप गूगल में जाएंगे, टेलीग्राम सपोर्ट सर्च कीजिए, एक नंबर पर ही आपको telegram.org करके एक वेबसाइट आ जाएगी जिसमें आप जो है अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और साथ ही सोल्यूशन ले सकते हैं। तो टेलीग्राम सपोर्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इस तरीके से आपके सामने जो है टेलीग्राम का सपोर्ट बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। सबसे पहले लिखा है प्लीज़ डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम, सो यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे, जो भी इश्यू अभी आपके साथ आ रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस देनी है, जो ईमेल एड्रेस आपके फ़ोन में है वो देनी है जिससे कि आपके मैसेज या फिर आपको मेल आ पाए। और लास्ट में आपको अपनी फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो जो भी फ़ोन नंबर आपने रजिस्टर की है वही यहाँ पे फ़ोन नंबर चाहिए, दूसरी फ़ोन नंबर यहाँ पे जो है आपके लिए काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपको जो है सही तरीके से अपना फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत है। तो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, ईमेल एड्रेस डालनी है और यहाँ पे आपको माय नंबर वॉज लिख देना है, माय नंबर। तो यहाँ पे आप सही तरीके से जो है इज़ बैनड विदाउट एनी रीज़न, तो यहाँ पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है और उसके बाद यहाँ पे आपके जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। कुछ ही टाइम के बाद आपको जो है आपका जो भी टेलीग्राम है उसकी तरफ से एक मेल आएगी इस ईमेल के ऊपर, तो उसको आपको चेक करना है और उसके ऊपर आपको जो है वापस रिप्लाई करना है और आपकी जो है मोर इन्फॉर्मेशन बतानी होगी। तो यहाँ पे आप जो है गूगल से डायरेक्टली यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको लेकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं।